हेलो एवरीवन, इस मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डिटेल और समरी विजेट कैसे बना सकते हो HTML5 के टैग्स का यूज करके। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये क्या होता है डिटेल एंड समरी विजेट, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो वेब डेवलपमेंट कोर्स लिखा हुआ है यहाँ, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वेब डेवलपमेंट कोर्स की कुछ डिटेल्स खुल रही है, यानी कि आप इसमें HTML सीखोगे, CSS सीखोगे, JavaScript सीखोगे, PHP सीखोगे, MySQL का डेटाबेस सीखोगे, और आप कैपेबल होंगे कि डेटाबेस आप बहुत सारी वेबसाइट्स बना सकते हो स्टैटिक डायनेमिक। तो ये सारा डेटा इसके अंदर लिखा हुआ है, और फिर इसके अंदर ही मैंने एक और बनाया हुआ है जिसके कोर्स पे क्लिक होते ही आपको उसके कोर्स का ड्यूरेशन दिख रही है। जैसे कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, 2.5 to 3 months, और भी बाकी सारी चीजें जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एट द एंड, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। तो ये हमारा कोर्स डेवलपमेंट का मैंने एक बना रखा है कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स का मैंने विजिट बना रखा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई विजिट बनाना हो अपने वेब पेज के लिए, तब आप कैसे बनाओगे, उसके लिए आप HTML के कुछ टैग्स का यूज करोगे। मैं आपको अभी बनाकर दिखाता हूँ। तो एक फाइल बना लेता हूँ सबसे पहले मैं, और इस फाइल के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फाइल के अंदर हम लोग अपना कोड लिखने वाले हैं। तो इसको मैं पहले कर देता हूँ टेक्स्ट एडिटर पर लोड, और यहाँ से ब्राउजर पर रन कर देते हैं। और अब आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैंक पेज है, तो HTML लिख दिया मैंने, और कोर्सेस लिख देता हूँ इधर, तो हो जाएगा कोर्सेस, और ये मेरा पेज लोड हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक डिटेल एंड समरी का बॉक्स बने। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार पी टैग के अंदर सिर्फ ये लिख के दिखाता हूँ जो मेरे अंदर लिखा हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी करके ले लेता हूँ मैं, और ये मैंने लिख दिया पी यानी पैराग्राफ टैग के अंदर। उसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि ये ड्रॉप डाउन के जैसे खुले, जैसे अभी आप देखोगे तो ये कैसे खुल रहा है आपका, सिर्फ इतना सा नॉर्मली ऐसे खुल रहा है, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट आप चाहते हो कि क्लिक पर ड्रॉप डाउन हो, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको यूज करना होता है डिटेल्स नाम के एक टैग्स का, डिटेल्स नाम के एक टैग का यूज करना होता है, और उसके अंदर इसको फिट कर देना होता है। ये वाला जो आपका डेटा है वो डिटेल्स नाम के टैग के अंदर रहेगा। अब ये एक डिटेल कंसिडर होने वाली है, मतलब ये क्या कंसिडर करेगा कि ये एक पूरी पूरी डिटेल है। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको कैसा ये दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या लिख के देता है आपको, डिटेल्स लिख के देता है। बाय डिफॉल्ट ये आपके पास डिटेल्स लिखा हुआ है। आप चाहते हो कि अपना खुद का कुछ नाम देना है, तब आप उस केस में यहाँ पर एक समरी दे सकते हो। समरी से क्या होगा, समरी भी एक क्लोज टैग है, और उसके अंदर आप दोगे, जैसे मेरा ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, तो वेब डेवलपमेंट कोर्स या वेब डेवलपमेंट कोर्स डिटेल्स आप लिख सकते हो। और इस तरीके से अब ये कैसे दिखेगा, अब मेरे को वेब डेवलपमेंट कोर्स दिखेगा, जब क्लिक करूंगा तो उसके अंदर मेरे लिए ये कंटेंट ओपन हो रहा है। आप चाहते हो सपोज आपके वेब पेज पर जब कोई आए और ये पहले से खुला दिखे, तब आपको सिंपली क्या करना है, डिटेल्स के अंदर एक ओपन टैग का यूज करना, ओपन एट्रीब्यूट का यूज करना है। और ओपन एट्रीब्यूट क्या करता है, इसको हमेशा खुला रखेगा। जैसे आप देख रहे हो अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये मैं रिफ्रेश पर क्लिक करता हूँ और ये मेरा खुला हुआ है, क्लिक पर ही बंद हो जाएगा, वापस क्लिक पर खुल जाएगा। तो डिफॉल्ट में अगर ओपन रखना है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो ओपन। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। और भी चीजें हैं, जैसे आप इसमें खुद की CSS भी लगा सकते हो, आप चाहो तो समरी को कुछ और तरीके से लिखवाना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो, आप इसके अंदर फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको एक बार फॉन्ट फैमिली चेंज करके दिखाता हूँ। और फॉन्ट फैमिली क्या करती है, फॉन्ट फैमिली क्या करेगी, मुझे एक अच्छा सा फॉन्ट देगी। तो फॉन्ट फैमिली वर्डाना लिख देता हूँ और दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो आप इसकी फॉन्ट चेंज हो चुकी है, अंदर भी फॉन्ट चेंज हो चुकी है। अब मुझे अगर इसके अंदर एक और डिटेल बॉक्स बनाना हो, तो आप इसके अंदर भी डिटेल के अंदर डिटेल और बना सकते हो, जिसमें मैं कोर्स की ड्यूरेशन लिखना चाहता हूँ सपोज। तो डिटेल, फिर एक समरी, फिर समरी के अंदर यहाँ पर आप लिख दोगे ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन में आप नीचे ड्यूरेशन लिख सकते हो। तो मुझे अगर कोई भी टैग लिखना हो, तो एक छोटा सा शॉर्टकट शेयर कर रहा हूँ आपसे, उस टैग का नाम लिखिए और फिर टैब दबा दीजिए, वो टैग अपने आप ओपन क्लोज हो जाता है। H2 टैग के अंदर मैं इसका ड्यूरेशन लिख देता हूँ 2.5 to 3 months, और अब करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो अब आपको दिखेगा वेब डेवलपमेंट, उसके अंदर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अंदर 2.5 months। अगर आप कुछ और चीजें मेंशन करना चाहते हो, तो सिंपली आप इसको खरीद, आप क्या करना है, इसको यहाँ से इधर लाना है, और आप सपोज चाहते हो प्राइस, तो आप यहाँ पर प्राइस भी मेंशन करवा सकते हो। तो जो कोर्स की प्राइस है वो आपको मेंशन करनी है, तो सपोज एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9000 rupees। तो ये मैंने कोर्स की क्या कर दी, प्राइस मेंशन कर दी। तो अब मेरे पास एक और डिटेल बॉक्स आएगा, ड्यूरेशन आ गया और प्राइस भी आ गया। इस तरीके से आप जितने चाहो नेस्टेड भी बना सकते हो। को ये विजिट किस तरह का बनाना है ये इजीली समझ में आ गया होगा। इसके अंदर आप अपने हिसाब से CSS और JavaScript लगा कर इसको और अच्छा बना सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।